शर्मा जी बताइए किस शेयर पर बुलिश हैं सबसे ज्यादा आप? देखिए आज मैंने चुना एक ऐसा शेयर जो बहुत माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ये एक भारत की सबसे बड़ी बिलियन डॉलर की एमएनसी, इंडियन एमएनसी पैकेजिंग कंपनी है, जो कि करीब करीब सभी मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं, यूनिलीवर है, पेप्सी है, रिगले है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोलगेट है, नेस्ले है, जिलेट है, रेनबक्सी है, परफेक्ट है, मॉन्सेंटो है, आईटीसी, गोदरेज, टाटा टी, हिंदुस्तान पे, सब भी जितनी भी ब्रिटेनिया, सबको जो है ये पैकेजिंग सॉल्यूशन देती है और ये टोटल पैकेजिंग सॉल्यूशन देती है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और 6 कंट्रीज में करीब 15 लोकेशन पे इनके प्लांट्स हैं और ये 370,000 मेट्रिक टन की इनके पास फिल्म की कैपेसिटी है, डिफरेंट टाइप की, बीओपीईटी की, बीओपीपी की, प्लस साथ ही ये मेटलाइज जो है वैल्यू एडेड फिल्म्स बनाते हैं, स्पेशल कोटेड फिल्म्स बनाते हैं, प्लस इनके पास में 80,000 मेट्रिक टन की फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की कैपेसिटी है, प्लस इनके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी है, लेमिनेशन फैसिलिटी है, होलोग्राम लगाने की फैसिलिटी है और प्रिंटिंग मशीनरीज भी बनाती है और प्रिंटिंग इंक भी बनाती है और उसी सारे सॉल्यूशन की तरह टोटल सॉल्यूशन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो है ये अपने क्लाइंट्स को देती है और इसीलिए लगातार ग्रो कर रही है। कंपनी का FY15 की जो अर्निंग आई है, 35 रुपया अर्निंग आई है, 250 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट आया है, 530 करोड़ का कैश प्रॉफिट है और मैं समझता हूं कि करंट ईयर में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि अभी भी जो है पॉलिसी फिल्म की प्राइसेस बढ़ रही है प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये लगातार अपने पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं, उसके चलते करंट ईयर में इनका करीब करीब 45 करोड़ की अर्निंग पर शेयर आ सकती है और बुक वैल्यू जो अभी FY15 में 425 रुपए है बढ़ के 465 रुपए तक हो सकती है। इन सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो 450 रुपए के आसपास आसानी से हो जाती है, लेकिन कुछ लीगेसी परसेप्शन इश्यू है जिसके कारण मैं इसका टारगेट कुछ कम देना चाहता हूं और मेरा 12 महीने का इसका टारगेट 225 रुपए का है, लेकिन मैं समझता हूं अगर परसेप्शन इश्यू कुछ रिजॉल्व हो जाए और इमेज कंपनी की अच्छी हो जाए तो मैं समझता हूं ये बहुत मल्टीबैगर, रियल मल्टीबैगर हो सकता है और बहुत ऊपर तक जा सकता है। ऑलराइट, चलिए ये है आज का वैल्यू पिक, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब देंगे शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी देखते रहिए CNBC आवाज़।